तो हे गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल पर एके ब्लॉग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले रेड कलर का बटन दबा दीजिए। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है, कंटेंट आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जावा के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, मार्केट में इस टाइम जावा आने वाली है। कभी भी जनवरी में, किसी भी महीने में लॉन्च, किसी भी डेट को लॉन्च हो सकती है। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग उसे लाइक कर रहे हैं। कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पर ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जिसमें कि बताया गया है कि वो रॉयल इनफील्ड से बेटर है, या कंपैरिजन करके दिखाया है। तो वो तो आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा। मैं बस आपको मोटे मोटे पॉइंट्स बता देता हूँ, जो कि ऊपर ऊपर के पॉइंट्स हैं, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। पहला पॉइंट जो उसका आता है वो है सर्विस नेटवर्क। गाइस, अगर आप कोई भी नई चीज़ मार्केट में आती है तो आप लोग सब हम उसे लेने के लिए बेकार हो जाते हैं गाइस। लेकिन बाइक के मामले में ऐसा है, अगर आप 2 लाख रुपए कर रहे हैं किसी चीज़ में और उसकी सर्विस ही आपको ना मिले ढंग से, तो क्या फ़ायदा गाइस? रॉयल इनफील्ड बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। इवन कि इनके सर्विस सेंटर लद्दाख तक में मौजूद है। और आज तक आप राइडिंग अगर आपने सोची होगी टूरिंग की, तो आपने रॉयल इनफील्ड पर ही ध्यान दिया होगा, अगर आपका बजट कम होता है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो। क्योंकि सुपर रिच किड्स तो ऑलमोस्ट इंडिया में सारे हैं नहीं, जो हम हायाबुसा या फिर और किसी भी चीज़ पर जाएँ। तो गाइस, थोड़ा सा एक ये डिसएडवांटेजेस हो गए, ठीक है। और भी है, एक डिसएडवांटेजेस ये है गाइस, स्पेयर पार्ट। देखिए, जो भी चीज़ नहीं आती है उसके स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। कंपनी भी इतनी जल्दी पॉसिबिलिटी है कि उसे प्रोवाइड नहीं करा पाएगी आपको। एंड न्यू चीज़ है गाइस, किसी को कुछ पता नहीं है उसके बारे में। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा। बट मैं आपको खाली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ। प्लीज़ कमेंट्स में मुझे इस तरह का मत बताइएगा कि तू कौन होता है बताने वाला। मैं कोई नहीं होता हूँ गाइस, मैं तो आप लोगों का दोस्त हूँ। आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ बस अपना, ताकि आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, ठीक है गाइस। और दूसरी चीज़ ये, अगर रॉयल इनफील्ड से कंपेयर कर रहे हैं तो गाइस उससे कोई कंपैरिजन नहीं है उसका। वो देखिए, वो भी 350 cc है, 349 cc जो कि है। और उसमें बस डुअल साइलेंसर दिया है, जिससे कि उसकी लुक काफ़ी अच्छी हो गई है। वो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई, पर्सनली एडवांटेजेस बता रहा हूँ। और प्राइस ब्रैकेट भी ठीक है गाइस, और लिक्विड कूलिंग मिल रही है आपको उसमें, जो कि रॉयल इनफील्ड ने अभी तक 350 cc या 2 लाख के ब्रैकेट के अंदर तो किसी भी बाइक में नहीं करवाई है। तो एक बार इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। ये चीज़ मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद भी आई। एंड बस गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। और अगर आपको व्यू अच्छा ना मिला हो तो उसके लिए माफ़ी गाइस, मेरी पहली मोटो व्लॉगिंग वीडियो है, आप प्लीज़ समझ सकते हैं। और इसी तरह प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। और गाइस, आप हैं तो हम हैं, जैसा कि मैं बोलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरी वीडियो देखने के लिए। और आप मेरी मेहनत और आपका प्यार दोनों कर देंगे मिलकर धमाल। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नए हैं, और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। We'll be right back.